क्या आप अपनी नाइट क्रीम खा सकते हैं? नहीं खा सकते, लेकिन मैं आज जो आपके साथ रेमेडी यानी अपनी नाइट क्रीम शेयर कर रही हूँ, आई बेट यू कि आप इसको खा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसमें जो जो इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो इतने नेचुरल, इतने खालिस हैं कि आप उसको खा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मरियम अदील एंड वेलकम बैक गाइस। आज आपके साथ एक नाइट क्रीम की रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त है हमेशा की तरह, क्योंकि ये तो आपकी बहन का वादा होता है ना कि आपको एकदम नेचुरल चीज बताएगी और ऐसी होगी जो वाकई इफेक्टिव होगी, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि आपको ऐसे ही आपकी बहन उठा के कोई रेमेडी शेयर नहीं करती आपके साथ, हमेशा वो रेमेडी शेयर करती है जो वाकई इफेक्टिव होती है और ट्राई एंड टेस्टेड होती है। तो आज भी आपकी बहन आपके सामने हाजिर हुई है इसी वादे के साथ कि आज की जो रेमेडी है वो भी बहुत इफेक्टिव होगी और बहुत ही इजीली बन भी जाएगी। तो ज्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपसे कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली दफा मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो यकीनन चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी तो आपको मिलनी चाहिए ना, ताकि आप भी जल्दी से फायदा उठा सकें अपनी हेयर और स्किन से रिलेटेड। और हाँ, आप लोग जो ऑलरेडी मेरी YouTube फैमिली मेंबर्स हैं, आप लोग भी वीडियो लाइक नहीं करते, देखते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो आप भी वीडियो यहीं लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हमेशा की तरह बहुत यूजफुल होने वाली है और आपको पसंद आने वाली है, और इसको अपने प्यारों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम बात कर रहे हैं समर नाइट क्रीम की, तो समर से रिलेटेड जो चीजें आज आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं वो यकीनन हर घर में इस टाइम मौजूद होंगी, क्योंकि ये समर की नीड है। कैम्बर, मिंट, लेमन, ये सभी घर में मौजूद होते हैं एनी टाइम, भाई मेरे घर में तो मौजूद होते हैं। आप जरूर बताइएगा कि समर में आपके घर में ये मौजूद रहते हैं या नहीं। एनीवे, तो यहाँ मैंने ले लिया है कैम्बर, के साथ ही मैंने यहाँ लिया है लेमन और कुछ मिंट लीफ, और साथ ही मैंने यहाँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल विटामिन ई से भरपूर होता है और हमारे स्किन का जो टेक्सचर है ना वो विटामिन ई ही की नीडेड है, तो विटामिन ई हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है नाइट टाइम में स्पेशली, क्योंकि हमारे स्किन में मौजूद डैमेजेस नाइट में रिपेयर होते हैं जब हम एक गहरी नींद में होते हैं। तो जब हमारे सेल्स रिपेयर हो रहे होते हैं तो क्यों ना हम उसे कोई ऐसी चीज प्रोवाइड करें जो केमिकल बेस्ड ना हो और हमारे स्किन सेल्स को हेल्थी वे में रिपेयर करें। तो यहाँ मैं ले रही हूँ क्यूकम्बर। अच्छा, क्यूकम्बर आपने हाफ लेना है, मैं यहाँ ज्यादा क्वांटिटी में डबल क्वांटिटी में बना रही हूँ, मैं फुल क्यूकम्बर यूज कर रही हूँ, लेकिन आपने कम बैच बनाना है 5 to 7 days का, तो उसके लिए हाफ क्यूकम्बर इनफ होगा। और साथ ही मैं इसमें लेमन यूज कर रही हूँ, लेमन भी आपने हाफ यूज करना है। अगर आपको लेमन से एलर्जी है यानी लेमन जूस से, तो आपने लेमन जूस को स्क्वीज कर देना है और उसके बाद सिर्फ उसके पील का यूज करना है। लेकिन अगर आपको लेमन से कोई एलर्जी नहीं है मेरी तरह, तो आपने इसके जूस को भी ऐड करना है और साथ ही लेमन पील को भी। अगर आप लेमन जूस को ऐड नहीं करना चाहते तो आपने फुल लेमन लेना है, यानी कि पूरे लेमन का जो पील है वो लेना है और जूस को आपने स्किप कर देना है। अगर आप लेमन जूस भी ऐड कर रहे हैं तो आपने हाफ लेमन लेना है जूस और पील के साथ। एनीवे, तो यहाँ मैंने सारी चीजें ब्लेंडर में ऐड कर दी और सारी चीजों को ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया था और उसके बाद स्ट्रेनर के थ्रू इसके लिक्विड को अलग कर लिया और इसका जो पल्प था उसको सेपरेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ मैंने लिया है योगर्ट। योगर्ट यहाँ मैं डबल क्वांटिटी में ले रही हूँ, आपने इसकी हाफ क्वांटिटी लेनी है, मैं आपको दोबारा मेंशन कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ योगर्ट को ग्रीक किया है, यानी कि हैंग कर्ड यूज कर रही हूँ मैं यहाँ, और जो हैंग करने के बाद उसका जो पानी ड्रेन होता है उसको आपने फेंकना नहीं है, अपने पास स्टोर कर लेना है, वो और भी रेमेडीज में यूज होगा, मैं आगे रेमेडीज में आपको जरूर बताऊंगी। बट अगर अभी आपको क्यूकम्बर और मिंट और लेमन को पीसते हुए ग्राइंड करते हुए एक्स्ट्रा पानी की जरूरत पड़ती है, तो आपने वही दही का ड्रेन किया हुआ पानी यूज करना है, कोई और एक्स्ट्रा पानी यूज नहीं करना, वो पानी आपने 2 to 3 spoons की जरूरत पड़ेगी, इससे ज्यादा की नहीं, तो आपने वो ऐड कर। यहाँ हम योगर्ट यूज कर रहे हैं तो योगर्ट का ही पानी ऐड करें तो ज्यादा बेहतर है, और कोई किसी भी तरह का एक्सेस वाटर हमें यूज नहीं करना। एनीवे, तो वहां हमने ग्राइंड करके रख लिया है अपना लिक्विड और उसको स्ट्रेनर के थ्रू स्ट्रेन भी कर लिया है। अब यहाँ मेरे पास जो हैंग कर्ड है वो मैं ले रही हूँ, इसे अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं ताकि स्मूथ कंसिस्टेंसी हमारे पास आ सके। योगर्ट यहाँ मैंने लिए 3 to 4 spoon, तो आपने ऐसे ही बनाना है कि बस 1 week का बैच बनाना है और उसके बाद न्यू प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि हम ऑर्गेनिक चीजें यूज करते हैं तो कोशिश किया करें जितनी फ्रेश यूज की जाती हैं उतनी अच्छी और ज्यादा बेनिफिट ये दे सकती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है, जो लिक्विड रेडी हुआ है, उसे हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा हम ऐड नहीं करना, बस हमें 3 to 4 spoons की ज़रूरत है इसमें, हम वो इसमें ऐड करेंगे
और अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। लेकिन ये 3-4 स्पून भी जो आपने ऐड करने हैं वो भी आपने एक साथ ऐड नहीं करने, थोड़े थोड़ा करके ऐड करना है। मैंने इसमें योगर्ट का यूज किया है। योगर्ट में मौजूद लैक्टिक एसिड हमारे कलर टोन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही मैंने इसमें क्यूकम्बर का यूज किया, तो अब क्यूकम्बर के बारे में क्या बताने की जरूरत है मुझे। क्यूकम्बर विटामिन सी से लोडेड होता है और इसमें मौजूद 99% वाटर हमारी स्किन को कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देता है करता है। गर्मियों में होने वाली इचिंग, बर्निंग और टैनिंग को भी रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ आपकी पफी आईज और डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा। फिर मैंने इसमें लेमन का यूज किया, तो लेमन जूस और लेमन पील दोनों ही आपको विटामिन सी प्रोवाइड करेंगे भरपूर तरीके से, जो आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को लाइटन करेंगे, साथ ही साथ आपकी स्किन पे ग्लो बनाने में बहुत हेल्प करेंगे। ये क्रीम इतनी बेनिफिशियल और इतनी जबरदस्त बनने वाली है ना कि अगर आप एंटी एजिंग के तौर पे यूज करते हैं तब भी बहुत जबरदस्त वर्क करेगी। मिंट एक्सट्रैक्ट और लेमन ये आपकी स्किन पे जितने भी डार्क स्पॉट्स हैं उनको खत्म करेंगे, पिगमेंटेशन को लाइटन करेंगे और आगे बढ़ने से रोकेंगे। मिंट एक्सट्रैक्ट आपकी स्किन के डीपेस्ट लेयर में जाके काम करता है। जितनी भी चीजें मैंने इसमें बताई आपने इसमें जरूर ऐड करनी। लास्टली हमें इसमें एक इंग्रेडिएंट अपना और ऐड करना है और ये है हमारी कॉफी। कॉफी इसमें हम फुल 1 स्पून भर के ऐड कर रहे हैं। अब कॉफी डालने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना कि ये क्रीम कैसी बनने वाली है। ये तो आपको यही अंदाजा हो गया होगा ये क्रीम कितनी बेनिफिशियल और मल्टीटास्किंग और मल्टी बेनिफिट रखने वाली है। यानी स्किन को टाइटन भी करेगी, स्किन को लाइटन भी करेगी और साथ ही स्किन पे ग्लो भी लेकर आएगी और साथ ही पफी आई और डार्क सर्कल्स को भी रिमूव करेगी। तो हो गया ना ये 1 पैकेज इतनी सारी चीजों का आपको रिजल्ट देगी, ये तो कितनी बेनिफिशियल होने वाली है आपको यही अंदाजा हो गया होगा। एनीवे तो 1 स्पून फुल भर के कॉफी ऐड करने के बाद इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कॉफी अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई ग्रैनुअल बाकी ना रहे। इस क्रीम को लगाने के बाद आपको किसी और क्रीम की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ना तो आई क्रीम की, ना एंटी एजिंग क्रीम की, ना स्किन वाइटनिंग और ना ही टाइटनिंग की। क्रीम हमारी यहाँ रेडी हो चुकी है, इसको अब हम स्टोर कर रहे हैं। किसी भी जार में आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप इसको स्टोर करेंगे और इसको फ्रिज में रखना है। कम बैच बनाइएगा, फिर आपसे कह रही हूँ 5-7 डेज चले और उसके बाद न्यू बना लें। मुश्किल से 50 रुपीज में आपकी ये क्रीम बनकर रेडी हुई है। आपने इसको नाइट में लगाना है। नाइट में अपने फेस को वॉश कीजिए, कोई अच्छा सा टोनर अपने फेस पे अप्लाई कीजिए। टोनर नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आपने इस क्रीम को अपने फेस पे अप्लाई करना, जिस तरह से कोई भी क्रीम व्हाइटनिंग क्रीम आप अपनी स्किन पे लगाते हैं, और छोड़ दीजिएगा रात भर इसको अपना वर्क करने के लिए। रात भर लगा रहने दीजिएगा और मॉर्निंग में जब आप उसको वॉश करेंगे, यकीन जाने फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद ही आपको इसका जो कुछ अच्छा अच्छा सा फील होगा, यानी कि आपको एक स्किन का टेक्सचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसका कंटिन्यू यूज आप 1 हफ्ता करें और उसके बाद अपनी स्किन को चेंज होता हुआ देखें, यानी रिपेयर होता हुआ देखें एक हेल्दी और गुड वे में। तो बहुत उम्मीद करती हूँ गाइस आज की मेरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो उसको लाइक कर दीजिएगा बहुत सारा और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपके प्यारों का भी भला हो सके आपके साथ साथ। तो मिलती हूँ एक और न्यू ऐसे ही किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।